रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं आपको प्राइवेट पार्ट्स को गोरा करने की बहुत ही आसान रेमेडी बताने वाली हूँ। ये रेमेडी आप अपने डार्क नीज, एल्बोज और डार्क अंडर आर्म्स को लाइटन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर प्राइवेट पार्ट उस वक्त डार्क होते हैं जब हमें पसीना ज्यादा आता है और डेड सेल्स बढ़ जाते हैं। तो आज जो मैं रेमेडी बता रही हूँ वो आपके वेजिनल एरिया को ब्राइटन करने में बहुत हेल्प करेगी और हर स्किन टाइप को सूट भी करेगी। एक ही बार यूज करने से आप वाजे फर्क देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को दबाकर फ्यूचर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले आपने रॉ मिल्क लेना है, यानी कच्चा दूध। बिना उबला हुआ दूध आप लेंगे। 2 चम्मच के करीब आप दूध लेंगे। अब आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, यानी कि चीनी। ये भी आपने 1 चम्मच ऐड करनी है। इसके बाद आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है, यानी कि मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग होते हैं, आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है। बस 1 चम्मच ही आप इसमें ये ऐड करेंगे। बस यही 3 चीजें इसमें डलेंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें। जब तक ये अच्छे से मिक्स हो एक बार फिर रिपीट कर दूं, 2 चम्मच कच्चा दूध लें और फिर इसमें 1 चम्मच चीनी शामिल करें और फिर आखिर में 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें ये मिक्स हो गया है। अब इस पेस्ट को आपने अपने डार्क एरियाज पर लगाना है और 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपने लेना है आधा लेमन, यानी के नींबू, लेकिन लेमन आपने ठंडा लेना है। इस्तेमाल से पहले फ्रीजर में रखकर ठंडा कर लीजिएगा ताकि आप किसी भी किस्म की एलर्जी से बच सकें। अब इस ठंडे लेमन को आपने इस पेस्ट पर रब करना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह रब करें, फिर सादे पानी से धो लें। एक ही बार के यूज से आप वाजे फर्क देखेंगे। आपका वेजिनल एरिया ब्राइट हो जाएगा और आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।